सफदरजंग इनक्लेव की निगम पार्षद राधिका अबरोल ने हिमायूपुर में प्रवासी मजदूरों के बीच राशन किट, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। इस मौके पर बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और जिला संगठन मंत्री राजन तिवारी के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर राजन तिवारी ने कहा कि कोरोना की इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों की मदद करने में जुटा है। केवल आपके माध्यम से दिल्ली शहर को यह बताना चाहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कहता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कहता है, उसको करके दिखाता है, ये उसका परिचायक है। अगर सेवा ही संगठन अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथों में लिया था तो आज दिल्ली शहर में कोने कोने में जा करके देखेंगे भाजपा का नेता और कोई भी किसी भी स्तर का नेता होगा वो सड़कों के ऊपर उतरकर अपने लोगों को जिनको जरूरत है उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। निगम पार्षद राधिका अबरोल ने बताया कि उन्होंने वार्ड में प्रवासी मजदूरों के बीच राशन किट का वितरण किया, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा है। राधिका अबरोल ने कहा कि उनकी कोशिश है कि क्षेत्र का कोई भी भूखा न रहे। हमारी स्टैंडर्ड किट में 5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 1.5 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 250 ग्राम चाय पत्ती और 4 बिस्किट के पैकेट होते हैं। इसके अलावा हम उसमें सैनिटाइजर और मास्क भी ऐड करते हैं, क्योंकि हम सब ने देखा है कि जैसे लोगों ने मास्क उतारना शुरू कर दिया उसके बाद पूरे भारत में और दिल्ली में तो खास करके दोबारा से कोविड बढ़ गया। तो ये मास्क इसलिए दिया जाता है कि लोग इसको यूज़ करें और उनको एक मैसेज ये मिले कि जितना आपके लिए सर्वाइवल के लिए खाना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी इस समय मास्क।